हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडसेकर्ड इंटरनेशनल। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। ऑस्ट्रेलिया अपने स्टूडेंट वीज़ा की पॉलिसीज में, रूल्स में चेंजेस करने जा रहे हैं, बहुत ही बड़े चेंजेस करने जा रहे हैं मीन टू से। और ये जो चेंजेस है जल्द ही वो लागू करने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस रूल के बारे में बताऊंगा कि जो रिसेंटली उन्होंने अपडेट किया है और ये कौन सी डेट से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो अगर आप भी स्टूडेंट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, आपने एप्लीकेशन कर दी है या फिर फ्यूचर में आपने एप्लीकेशन करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप फ्यूचर में ऐसे इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एंड अगर आप जानते हो किसी ऐसे पर्सन को जिसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अगर आप वीजा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की है जो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप भी इनमें से कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, बट मेक श्योर कि अगर आप कॉल कर रहे हो तो आप वर्किंग आवर्स के दौरान ही कॉल करें, अदरवाइज जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, आवर एक्सपर्ट टीम विल कॉन्टेक्ट यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते थे, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता था जो था GTE। GTE की फुल फॉर्म है जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। ये एक प्रोसेस था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को वेरीफाई करता था कि वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है कि नहीं थे। तो ये जो प्रोसेस है इसको यूजली काफी टाइम लग जाता था। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता था। कुछ यूनिवर्सिटीज 1.5 मंथ में भी प्रोवाइड करती थी, कुछ 2 मंथ्स में, कुछ 3, और इवन कुछ यूनिवर्सिटी इसको 4 मंथ भी लगाती थी। बट अब जो है ऑस्ट्रेलिया इस GTE को रिमूव करके एक नया एप्लीकेशन करने जा रही है जिसका नाम है GST। और ये GST का मतलब है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट जिससे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी कि जो भी स्टूडेंट उनकी कंट्री में पढ़ने के लिए आ रहा है वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है या फिर नहीं है। और जैसे कि अपडेट्स आ रहे हैं, इस टेस्ट में जो स्टूडेंट है उसका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। यस, इंटरव्यू लिया जाएगा, जस्ट लाइक US में होता है वैसे एक इंटरव्यू होगा। बट एज कंपेयर टू US, इसमें आपको ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। मोस्ट चांसेस यही है, हालांकि एक पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, मोस्टली चांसेस यही है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। आपकी जो भी प्रोफाइल है आपसे वो क्वेश्चनिंग की जाएगी और उसी पे बेस पे ही आपको वीजा मिलेगा। तो बात करते हैं कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा। तो जैसे कि अपडेट्स आ रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज की तरफ से, ये जो है जुलाई के एंड से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको इस प्रोसेस के थ्रू होके जाना पड़ेगा। तो ये है वो अपडेट जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ये जो अपडेट है इसका एक गुड इफेक्ट भी पड़ेगा और एक बैड इफेक्ट भी पड़ेगा। तो गुड इफेक्ट ऐसे है कि जो भी स्टूडेंट जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, उनके फंड्स जेन्युइन थे, उनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे, तो उस स्टूडेंट को तो कोई इशू नहीं आने वाला है। इवन उसका जो प्रोसेस वो फास्ट ट्रैक पे होगा, बिकॉज इस इंटरव्यू की वजह से उनके डिसीजंस हैं ऑन द स्पॉट ही मिल जाएंगे। बट बैड इफेक्ट इसका ये है कि जो लोग अपने फंड्स में या अपने किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेर फेर करके एप्लीकेशन करते थे, तो उनके लिए एक बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा और इससे उनके वीजा के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, ये जो रूल है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इसलिए ही लाया है सो डैट कि वो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है सिर्फ उनको ही एंट्री मिल पाए ऑस्ट्रेलिया में। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग वहां पे मिसबिहेव करते थे या फिर उनकी इंटेंशन कुछ और थी बट स्टूडेंट वीजा से वो अप्लाई करके एंटर कर जाते थे, उन नंबर ऑफ पीपल की ऑस्ट्रेलिया में एंट्री को वो रिड्यूस कर पाए। सो दिस वॉज द अपडेट जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी रिसेंटली आया है। हालांकि कुछ चीजें इसमें क्लियर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये हर एक स्टूडेंट पे अप्लाई होगा या फिर उन स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा जिन पे उनको कोई डाउट है, जैसे कि कनाडा की तरफ से दिन पहले अपडेट आया था। हो सकता है ये हर एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई हो, हर एक स्टूडेंट का इंटरव्यू हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेशल स्टूडेंट्स का ही इंटरव्यू हो। सो होपफुली आने वाले दिनों में इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए सो डैट जब भी मैं आपको अपडेट करूँ यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।